Good morning, students. Today we are going to learn our next topic, coordination and its importance. Coordination is the process of achieving unity of action among interdependent activities and harmonious implementation of plan for the achievement of desired goals. Coordination एक ऐसा process है जहाँ पे हम interdependent activities को unite करते हैं. जितनी भी अलग अलग activities होती है उनको unite करते हैं जिससे कि हम हमारे desired goals को achieve कर सकें. It is considered as a sense of management. और इसको क्या बोलते हैं? Management का सार. Coordination is the act of coordinating, making different people or things work together for a goal or effect. कोऑर्डिनेशन एक ऐसा एक्ट है जहाँ पे हम लोग अलग अलग पीपल्स और अलग अलग वर्क को एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं जिससे कि वो एक साथ काम करें और हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करें. और नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. फर्स्ट इज ग्रोथ इन साइज. इट हेल्प्स इन एक्सपेंडिंग द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग द इंडिविजुअल गोल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ये आपको हेल्प करता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की साइज को बढ़ा सकते हो. कैसे? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करके. जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा, फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है प्रॉफिट इंक्रीज करना. जब हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इंक्रीज करेंगे, जैसे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो हर टॉपिक से इंडिविजुअल का गोल भी इंक्रीज हो जाएगा. इनका सैलरी इंक्रीज हो सकता है, हो सकता है इनको बोनस मिल जाए. तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट हमको मिल सकते हैं जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं. सेकंड इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन. एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट से मिलकर बना होता है. कैसे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं? लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं इनके खुद के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनकी खुद की कुछ पॉलिसीज होती है और इनके खुद का काम करने का तरीका होता है. जब हम इन सबकी प्रोसेस को एक साथ लिंक करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक साथ लिंक करते हैं, तो हम लोग वो किसकी हेल्प से कर पाते हैं? सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन की हेल्प से. नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन. Specialists generally think that they are solitary and qualified to estimate, judge and decide according to their professional criteria. Specialists को हमेशा ऐसा लगता है कि वही लोग ऐसे हैं जो खुद के professional criteria के लिए सोच सकते हैं, estimation set कर सकते हैं और चीज़ों को judge कर सकते हैं और decision ले सकते हैं. कितनी बार ऐसा होता है कि वो किसी और से suggestions नहीं लेते हैं और अपने मर्जी से decision final कर देते हैं और उससे क्या होता है? Organization में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, झगड़े होते हैं और जब झगड़े होते हैं तो हम हमारे गोल तक नहीं पहुंच पाते. तो ये झगड़े ना हो, बेटर कोऑर्डिनेशन रहे, वर्क प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट हो, उसमें आपकी कौन हेल्प करेगा? कोऑर्डिनेशन. फोर्थ इज हायर एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी. कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन इंप्रूविंग द एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज इट मेंटेन्स द मोटिवेशनल लेवल ऑफ द एम्प्लॉइज. जो कोऑर्डिनेशन है ये आपको हेल्प करता है कि आप अपनी एफिशिएंसी, अपने काम करने की क्षमता को इंक्रीज करो, इंप्रूव करो और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करो. और इसी की वजह से आपके एम्प्लॉयज भी मोटिवेटेड रहेंगे. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहेगा, वो खुद मोटिवेटेड रहेंगे, उनका एफिशिएंसी इंप्रूव होगा. एफिशिएंसी इंप्रूव होगा तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अचीव होगा. फिफ्थ इज बेटर ह्यूमन रिलेशंस. हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉयज एंड लेसर कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट्स इन बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप विच इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन. जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी बहुत मोटिवेटेड होते हैं, हाईली मोटिवेटेड होते हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वहाँ पे एक अच्छा ह्यूमन रिलेशनशिप होता है और वहाँ पे ये सब सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन की हेल्प से ही पॉसिबल होता है. सो दिस आर आवर टॉपिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन. वी विल लर्न नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.